हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले में अशोक वाटिका को आक्सी जोन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, कोरबा जिले में। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। जल्द शुरू होगा अशोक वाटिका को आक्सी जोन बनाने का काम। राजस्वास्थ्य मंत्री श्री अग्रवाल ने कलेक्टर श्रीमती कौशल और अधिकारियों के साथ आज सुबह किया निरीक्षण। वाटिका में चरण गार्ड और फाउंडेश सहित वाक के योगा हट्स बनेंगे, चंदन के पेड़ भी लगेंगे। शहर के बीच स्थित अशोक वाटिका का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण लाने वाली दिनों में होगा। यह आक्सी जोन विकसित करने का काम भी जल्द शुरू होने के आसार है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरबा प्रवास के दौरान हाल ही में इनके विकास के लिए घोषणा की है। इसे तारतय और आज सुबह राजस्व मंत्री श्री जयसी अग्रवाल ने कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल, महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद और अन्य अधिकारी व जन प्रतिनिधियों के साथ वाटिका का निरीक्षण किया। वाटिका में 15 से अधिक प्रकार के निर्माण काम कराए जाएंगे और चंदन के पेड़ लगाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर के क्षेत्र के अंतर्गत अशोक वाटिका को सामान्य रूप से विकसित करने का काम कई दशक पहले किया गया। वाटिका में फाउंटेन लगाने के साथ यहां कई प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, अधिकारी द्वारा दौरा में अशोक वाटिका को आक्सी जोन बनाने का काम शुरू किया गया। किस जिले में बनाया जाएगा? तो कोरबा जिले में बनाया जाएगा। अब कोरबा जिले की बात आई है तो कोरबा जिले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कोरबा की स्थापना 1998, मुख्यालय कोरबा, मातृत्व जिला बिलासपुर, बिलासपुर से पृथक करके कोरबा जिले का निर्माण किया गया है। कोरबा जिला किस नदी के किनारे बसा है? तो कोरबा हसदो नदी के किनारे बसा है। हसदो नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? कोरिया जिला, रामगढ़ कैमूर पहाड़ी से हसदो नदी का उद्गम स्थल है। मुख्य चट्टान गोडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप। मुख्य खनिज है यहाँ कोयला भंडारण क्षेत्र, कोयला भंडारण क्षेत्र है। तो कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, यहाँ से कोयला भंडारण है। कोरबा सबसे बड़ी मशीनीकृत कोयला खदानें हैं तो कोरबा जिले में स्थित है। मुकुंद घाट सबसे बड़ी यांत्रिकृत कोयला खदानें हैं। बक्साइट भंडारण क्षेत्र का पुटका पहाड़, पवन खेड़ा, खेतरा पहाड़ से बक्साइट प्राप्त किया जाता है। कोरबा जिले में मुख्य जनजाति तो कोरबा कंवार जनजाति यहाँ निवास करते हैं। उद्योग NTPC कोरबा 1983, विद्युत उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट, 2600 मेगावाट। बालको 2001 में संयुक्त उपक्रम स्टरलाइट कंपनी, स्थापना 1965, उत्पादन 1965 में स्थापना उत्पादन है 1975 से प्रारंभ हुआ। श्यामल प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व में 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। मुख्य नदी परियोजना हसदो बांगो परियोजना, स्थापना 1967, 1994 में विद्युत उत्पादन माचा टोली कोरबा क्षमता 120 मेगावाट। छत्तीसगढ़ की पहला
पहली महिला सांसद मिनी माता के नाम पर इस परियोजना का नामकरण मिनी बांध रखा गया है, मिनी माता बांध रखा गया। प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, कितने मीटर है तो 87 मीटर है। प्रमुख पर्यटन ऐतिहासिक क्षेत्र देखते हैं, तुम्मार छत्तीसगढ़ में कलचुरियों को प्रथम राजधानी है, क्या है तुम्मार, छत्तीसगढ़ की कलचुरियों का प्रथम राजधानी है तुम्मार। पाली बाणवंशी शासकों की राजधानी, प्राचीन शिव मंदिर जलालदेव प्रथम द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया है। छुरी कोसकाई कलचुरी शासक बहेंद्र प्रसाद की राजधानी, चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को। कलिकाज द्वारा महर्षि मर्दानी माता महामाया मंदिर कहाँ है तो कोरबा जिले में स्थित है। लाफागढ़ छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, कुद्रमाल कबीरपंथियों का पवित्र स्थल। मुक्ति मणि साहेब के द्वारा स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बिलासपुर जिले के लिए। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं, बिलासपुर के लिए आज से शुरू हो रही है स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन द्वारा सप्ताह में 2 दिन चलने वाली बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस 9 जनवरी से चलाई जाएगी, जबकि बिलासपुर से भगत की कोठी के बीच ट्रेन को भी 11 जनवरी से सप्ताह में 2 दिन चलाया जाएगा। इसका नंबर है 08245, बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस 9 जनवरी से सप्ताह में 2 दिन गुरुवार और शनिवार को बिलासपुर स्टेशन से शाम 6:25 में प्रस्थान करेगी। अगले दिन सुबह 8 बजे हबीजगंज और 8:25 भोपाल स्टेशन पहुँचेगी। भोपाल स्टेशन से यह गाड़ी सुबह 8:35 भोपाल से रवाना होकर देर रात तक 3:55 बीकानेर पहुँचेगी। क्रमांक 08262446 बीकानेर बिलासपुर स्पेशल 12 जनवरी से सप्ताह में 2 दिन प्रति दो दिन रविवार एवं मंगलवार को बीकानेर स्टेशन से देर रात 1:10 प्रस्थान करेगी। शाम 7:45 या मिनट भोपाल पहुँचेगी, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये स्पेशल ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी तो बिलासपुर के लिए चलाई जाएगी। दोस्तों अब बिलासपुर की बात आई है तो बिलासपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों बिलासपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861, मुख्यालय बिलासपुर। बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा है। अरपा नदी का उद्गम स्थल गौरेला पेंड्रा मरवाही पेंड्रा पठार खोडरी खोक्सा से हुआ है। सहायक नदी खारंग नदी 1920 कुठाघाट संजय गांधी परियोजना के नाम से प्रसिद्ध है। छोटी नर्मदा उद्गम बेलपान छत्तीसगढ़ का अमरकंटक कहा जाता है। विकासखंड बिलह प्रदेश का सबसे बड़ा विकासखंड, कारण बिलासपुर तहसील है विकासखंड नहीं। चक्करभाटा हवाई पट्टी सेना के अधीन, जनजाति बैना बैगा धनवार यहाँ निवास करते हैं बिलासपुर में। बिलासपुर में है कोकोनाइल पेपर मिल, औद्योगिक क्षेत्र तिफला सिरगिट्टी दगोरी सिलतरा लगरा ट्रैफिक पार्क। मुख्य चट्टान कड़प्पक्रम, मुख्य खनिज डोमेमाइंड खनन हर्री माइंस खदान से प्राप्त किया जाता है। प्राचीन पर्यटन ऐतिहासिक स्थल देखते हैं मनार सरभपुरी शासक प्रसन्न मात्र द्वारा बसाया गया था। लीलाघर नदी निर्ला के तट पर, डिडनेश्वरी माता मंदिर
बुढ़ियारी खार में चतुर्भुज विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति पातलेश्वर मंदिर स्थित है बिलासपुर जिला में। ताला गांव छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम देवरानी जेठानी मंदिर मनियारी नदी तट पर मुख्य द्वार पर है रुद्र शिव की प्रतिमा। चकरबेड़ा सातवाहन कालिक स्वर्ण सिक्के यहाँ से प्राप्त किए गए हैं। रतनपुर प्राचीन नाम कुबेरपुर मणिपुर छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी छत्तीसगढ़ तालाबों का शहर महामाया मंदिर कहाँ है तो बिलासपुर जिले में स्थित है। 11वीं सदी में निर्मित रत्नदेव प्रथम राम टेकरी मंदिर स्थित है। लथुरा शरीफ मुस्लिमों का धर्म स्थल। बिलासपुर वन वृत्त क्षेत्रफल प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त क्षेत्रफल है। ACCL स्थापना 1987 मुख्यालय बिलासपुर जो CIL के अधीन है। उपक्रम NTPC 2002 सिपत 2980 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता 2008 से प्रारंभ किया गया। उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 2000 स्थान ग्राम पंचायत बोदरी में स्थित है और यहाँ भारत का 19वां उच्च न्यायालय है। घोफड़ा 2003 बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय घोफड़ा 1994 सृजन हुआ 2003 में। भारत का 16वां जोन बना है तो बिलासपुर जोन बना है। बिलासपुर में सरकंडा में पशु प्रजनन प्रक्षेप है। कानन पेंडारी जू स्थित है। छत्तीसगढ़ का शिवकाशी माचिस उद्योग बिलासपुर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बस्तर जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव को रोकथाम के लिए पहले चरण में टीकाकरण के लिए कुल कितने केंद्र बनाए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 57 केंद्र बनाए गए हैं। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कोरोना टीकाकरण के प्रथम चरण के लिए बनाए गए 57 केंद्र गुरुवार 7 जनवरी को 12 बजे से जनपद पंचायत कार्यालयों में टीकाकरण अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को रोकथाम के लिए पहले चरण के टीकाकरण के लिए 57 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें जगदलपुर विकासखंड के 7 केंद्र, ग्रामीण क्षेत्र में 10 केंद्र, नगरीय क्षेत्र बस्तर विकासखंड में 7 केंद्र, बागवाड़ विकासखंड से 8 केंद्र, तोकपाल विकासखंड से 9 केंद्र, दरभा और लोहंडी गुंडा से चुने गए हैं। विकासखंड में 6-6 केंद्र और बस्तनार विकासखंड में 4 केंद्र बनाए गए हैं, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों ये टीकाकरण है कोरोना वायरस से बचने के लिए। कितने केंद्र बनाए गए हैं प्रथम चरण में? तो 57 केंद्र बनाए गए यहाँ से कोरोना वायरस का। इन लोगों को 7 जनवरी से अधिकारी द्वारा इनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियागढ़।